भी लोगों से भर गई थी, पर उन्होंने इतना ज्यादा पाप किया कि परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने उन्हें बनाया था। उसने पृथ्वी पर से हर एक को मिटाने के लिए एक जल प्रलय भेजने का निर्णय किया। यहाँ पर नूह नाम का एक मनुष्य था जो अन्य लोगों के समान नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने का निर्णय किया। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बारे में सावधान किया। उसने उसे एक नीची छत, तीन कोठरियों, एक खिड़की और एक द्वार के साथ एक विशाल जहाज बनाने को कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसका निर्माण किया। परमेश्वर ने नूह को प्रत्येक जानवर की किस्मों में दो दो करके लेने को कहा, एक नर एक नारी। तब नूह, उसका परिवार और जानवर जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। 40 दिन और 40 रात तक बारिश आती रही। पानी आकाश से गिरा और समुद्रों और झीलों से भी ऊपर आया। यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। के दौरान नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के जल के ऊपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह को भूला नहीं था। परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी सूखने लगा, जहाज अरारात पहाड़ पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी को भेजा। जब वो वापस नहीं आई तो वो जान गया कि अब सब सुरक्षित थे। पृथ्वी सूख गई। परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष को वादे के रूप में रखकर कहा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा।